और 8 तरीक नूं असी काल दित्ती आ पूर्ण तौर ते भारत बंद दा सद्दा दित्ता। अपनी मांग मनवाने के लिए कुछ भी बंद करने की क्या जरूरत है, अपनी मांगों को मनवाने के लिए कुछ भी ब्लॉक करने की क्या जरूरत है। ये वाड्रा कांग्रेस वाले अंतोनिया डिमाइनो, ये अंतोनिया डिमाइनो की कांग्रेस किसानों को गुमराह करने में जुटी है। मंडी के अलावा भी ऐसा मार्केट खड़ा किया जाए जहां किसान अपनी फसल बेच सके। तो जिन लोगों ने वो मंजूर कर लिया, अब वही लोग सलाह दे रहे हैं इस वक्त कि कल का बंद भारत के लिए ठीक नहीं है। नए कृषि कानून के विरोध में किसान जथेबंदियों ने 8 नवंबर को भारत बंद का ऐलान किया है। इसमें इंजीनियर, वकीलों, रिटायर्ड कर्मचारी संघ ने भी बंद में भाग लेने का निर्णय लिया है। इसके अलावा विपक्षी पार्टियों ने भी भारत बंद का समर्थन करने की बात कही है। आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों से देश के किसान सड़कों पर हैं और सरकार द्वारा लाए कानूनों का विरोध कर रहे हैं। किसान और सरकार के साथ जितनी भी मीटिंगें हुई हैं उसमें कुछ भी फैसला नहीं हो पाया है, जिसके बाद ये भारत बंद का ऐलान किया गया था। सरकार को साफ कह दिया भी जो 3 कानून है उनको वापस ले, पर सरकार कुछ अमेंडमेंट करनी चाहती थी पर सानू प्रवान नहीं हुई। पहला तो सरकार सानू यही कही गई है भी साडे कानून बहुत बढ़िया ने, बहुत देख के बनाए गए ने, पर असी उन्होंने कह के आए हैं भई ये असी वापस करा के ही दम लवेंगे तो वापस करा के ही जावे। ये कल की जड़ी मीटिंग की गल हुई है। उस तो बाद जेडे अज कुछ नवे फैसले सारिया जथेबंदियों ने लै गए ने और 8 तरीक न असी काल दित्ती आ पूर्ण तौर पर भारत बंद का सद्दा दिता, सारा भारत असी बंद कर देवे एक दिन लई। आने वाले दिनों असी जिहड़ी दिल्ली की पूर्ण तौर पर जिहड़ी नाकाबंदी आ, जिहड़ियां 2 सड़कां बचदियां ने असी तैयारी कर ली 8 तरीक तक, वह भी पूरी कोशिश करांगे ते वह पूरे तौर पर जिहड़े ने नाके बंद कर दिए जाएंगे। आज भारत बंद में पूरे देश ने समर्थन दिया है, लोग भी अपनी दुकानें और कामकाज बंद कर समर्थन दे रहे हैं। अब बात करते हैं मीडिया की। खैर, कुछ मीडिया के द्वारा तो भारत बंद का समर्थन भी किया गया है, लेकिन अगर बात करें जी न्यूज के वरिष्ठ पत्रकार की तो आप खुद ही सुनिए वह भारत बंद को लेकर क्या कह रहे हैं। बड़ी बात यह है जिसको आज हम आपके सामने लाना चाहते हैं कि अपनी मांग मनवाने के लिए कुछ भी बंद करने की क्या जरूरत है, अपनी मांगों को मनवाने के लिए कुछ भी ब्लॉक करने की क्या जरूरत है, मांगों को मनवाने के लिए कुछ भी ठप करने की क्या जरूरत है, बाजारों को बंद करने की, दफ्तरों को बंद करने की, दूध सब्जियां बंद करने की क्या जरूरत है, क्या इसके अलावा कोई और तरीका नहीं है, क्योंकि ये नकारात्मक प्रदर्शन है। भारत बंद और इस तरह के प्रदर्शनों की शुरुआत स्वतंत्रता आंदोलन से हुई थी। वैसे भी आज के डिजिटल युग में भारत बंद कराना लगभग असंभव है, क्योंकि अगर बाजार बंद भी हो जाए, दफ्तर बंद भी हो जाए, तब भी इंटरनेट की मदद से डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर शॉपिंग चलती रहती है। ऑफिस बंद हो जाएं तो वर्क फ्रॉम होम चलता रहता है और स्कूल बंद हो जाएं तो क्लासेस ऑनलाइन चलती रहती हैं। हर चीज़ ऑनलाइन हो सकती है। इसलिए जो लोग आज ये सोचते हैं कि वो भारत बंद कर देंगे, उन्हें बहुत बड़ी गलतफहमी है। संभव है कि कल कुछ सड़कों और बाजारों को बंद करा दिया जाए। ये वही सुधीर जी हैं जिनको किसान सड़कों पर कम दिखे और खालिस्तानी ज्यादा दिखे थे। आपने खुद ही सुना उनका कितना समर्थन है इस भारत बंद के कौल में। अगर आप बात करें अर्नब की तो एक तरफ किसान प्रदर्शन कर रहे हैं और अर्नब अभी भी इल्जाम कांग्रेस पार्टी और विपक्षी दलों पर लगाते नजर आ रहे हैं। लेकिन कुछ लोग जिनका काम ही हर मुद्दे पर सियासत करना है, वो चाहते हैं कि किसानों का ये धरना लंबा खींचे, ये धरना चलता रहे। इसीलिए ये किसानों से झूठ बोलते हैं, उन्हें भ्रमित करते हैं, उनके दिमाग में गलत बातें भरते हैं। आज मैं इन लोग का असली चेहरा, दोस्तों, इनका दोहरा चेहरा, दोहरा चरित्र देश के सामने लाऊंगा। ये वाड्रा कांग्रेस वाले अंतोनिया डिमाइनो, ये अंतोनिया डिमाइनो की कांग्रेस किसानों को गुमराह करने में जुटी है। दूसरी तरफ के मीडिया से किसानों के इस बंद को लेकर काफी समर्थन भी मिल रहा है। रवीश ने अपने प्राइम टाइम में हर बार की तरह इस बार भी जानकारी के साथ किसानों के मुद्दे पर सरकार की पहले से क्या मंशा थी इस पर बात की। अब हम नीति आयोग की 2 रिपोर्ट जिससे पता चलेगा कि सरकार के भीतर भी मंडी और APMC खत्म करने की बातें हो रही थी।
नीति आयोग ने अगस्त 2017 में 3 साल के लिए एक एक्शन प्लान लॉन्च किया था, जिसके 5वें अध्याय में लिखा है कि एपीएमसी एक्ट में सुधार लाया जाए और मंडी के अलावा भी दूसरों को किसानों से सीधे खरीदने का अधिकार दिया जाए। मंडी के अलावा भी ऐसा मार्केट खड़ा किया जाए जहां किसान अपनी फसल बेच सके। नवंबर 2018 में नीति आयोग एक और रिपोर्ट लॉन्च करता है, इसका नाम है स्ट्रेटजी फॉर न्यू इंडिया एट 75। इस रिपोर्ट में साफ साफ कहा गया है कि सरकार, एमएसपी तय करने वाली संस्था, कमीशन ऑन एग्रीकल्चरल कॉस्ट्स एंड प्राइसेस CACP खत्म कर दे, न्यूनतम समर्थन मूल्य खत्म कर दे, इसे हटाकर मिनिमम रिजर्व प्राइस की व्यवस्था लाए, इसमें उपज की नीलामी होगी ना कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद। इसके अलावा विनोद दुआ ने भी किसानों द्वारा भारत बंद की कॉल और राजनीतिक पार्टियों का समर्थन को लेकर बात की है और कुछ जानकारी भी साझा की है। किसानों का जो आंदोलन चल रहा है, अब पूरे भारत से उसकी आवाज आ रही है, दिल्ली पहुंच रही है, लोग भी दिल्ली पहुंच रहे हैं। पिछले 2-2.5 महीने से पंजाब में सब कुछ चल रहा था, किसी ने नहीं सुनी, किसी मुख्यमंत्री, किसी कृषि मंत्री, किसी सरकार ने उनका ध्यान भी नहीं दिया, उनकी तरफ ध्यान भी नहीं दिया। उन्होंने फिर फैसला किया कि ये तो दिल्ली में आकर ही बात बनेगी। अब वो खुद दिल्ली आए हैं। ये जो मौजूदा जो चल रहा है आंदोलन किसानों का, ये किसी पॉलिटिकल पार्टी का नहीं है। बहरहाल, कहने का मतलब ये है कि अब धीरे धीरे ओपोजिशन पार्टियां सामने आ रही हैं, उनके आने या ना आने से कोई फर्क पड़ता नहीं है, क्योंकि बंद जो है, कल भारत बंद एक सांकेतिक बंद है, 11 बजे से लेकर 3 बजे तक है। जिन लोगों ने एक ऐसा लॉकडाउन सहा है महीनों महीने, जिसमें कोई दिमाग नहीं लगाया गया, हमें तो ऐसा लगता है, तो जिन लोगों ने वो मंजूर कर लिया, अब वही लोग सलाह दे रहे हैं इस वक्त कि कल का बंद भारत के लिए ठीक नहीं है, ये 11 से 3 बजे का सांकेतिक बंद है। खैर, मेनस्ट्रीम मीडिया किसानों की बात ना दिखाकर राजनीतिक पार्टियों को पकड़ने की कोशिश में है। किसानों का आंदोलन कोई राजनीतिक तो नहीं है, तो मीडिया सीधे उनकी बात सरकार तक क्यों नहीं पहुंचा रहा? ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब के टीवी। इफ यू लाइक आवर चैनल, प्लीज सब्सक्राइब एंड टू गेट नोटिफिकेशंस अबाउट न्यूज़, प्लीज क्लिक द बेल आइकन।